बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका मेरी और एक वीडियो में जिसका नाम दिया है बैड लक मोमेंट्स पार्ट वन। अब हर अपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा टपा टप मोमेंट्स के कई पार्ट मैंने बनाया है। अब इस बार मैंने बनाया है बैड लक मोमेंट पार्ट, क्योंकि हर बार तो टपा टप मोमेंट्स नहीं बनते भाई, कुछ बार ऐसा भी हो जाता है जिनको बैड लक मोमेंट्स भी कहा जा सकता है। तो ऐसे ही बैड लक मोमेंट्स का कलेक्शन लेके आ गया आपके सामने। अभी आप ही देखिए ये वाला बंदा कैसे काम कर रहा था भाई। जैसे ही इसने मुझे देखा तो यूजी का ऐसे स्प्रे दिया, एक चंद सेकंड में नॉक हो गया। अब भाई ने गन स्विच करके पिस्टल से मुझे फिनिश कर दिया। अब लेकर चलता हूँ आपको मोमेंट नंबर टू में, जहाँ पे मैं हमेशा की तरह शेल्टर में उतरा था। शेल्टर में उतरने के बाद मुझे एक वेक्टर और एक यूएमपी मिली, और इन गनों के साथ अभी ये वाला बंकर लूटने के बाद निकलते अगले वाले बंकर में। अगले वाले बंकर में जैसे मैं जा रहा था तो आपको देखिए मिनी मैप में थोड़ा सा नोटिस कीजिए, एक बग्गी की साउंड भी आती है और व्हीकल का मार्क भी आता है देखिए। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे ये फ्लेयर दिखाई देती है, और जैसे ही फ्लेयर दिखाई देती है तो मैं थोड़ा सा घूम गया। ये बंदे सामने से आने वाले, अब जैसे ही ये बंदा आता है तो बंदे मैंने आराम से यूनिटी 45 से नॉक कर दिया। और दूसरे वाले बंदे को डैमेज देने से पहले ये वाला बंदा फिर से उसके कोर में आ गया था। तो यहाँ पे देखिए गलती ये हो गई थी कि मैं अलग ही जगह पर नेड कर रहा था, और इस वक्त जब मैं गेम प्ले कर रहा था उस टाइम पे मेरे सामने कोई आ गया था और मेरे से बात कर रहा था। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, कमेंट में ज़रूर लिखिए कितने बार ऐसा आपके साथ होता है। और ये दूसरा भी नीड किया, लेकिन रिलोड भी नहीं थी और मोमेंट में भी मोमेंट नंबर थ्री में लेकर यहाँ पे लिपोका के पास से जा रहा था। तो यहाँ पे दो स्क्वाड्स की फाइट हो रही थी, और इन दोनों स्क्वाड्स के बीच में से मैं बग्गी को निकाल के भाग ही रहा था, तभी फ्यूल इंडिकेटर दिखाई दे रहा था कि लो फ्यूल है। तो यहाँ पे व्हीकल चेंज करना ज़रूरी था, और ये वाली गाड़ी तो मुझे कतई पसंद नहीं भाई, बड़ी इधर उधर घूमती है, उसका मैं रिस्क नहीं लेता। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे एक बग्गी दिखाई देती है, और बग्गी को लेते वक्त हल्की से सामने से देखे डांसी आ रही है। अब यहाँ पे मुझे भागना ज़रूरी था। अब ये यहाँ पे एक गलत सीन हो जाता है कि मैं ये रिज के ऊपर गाड़ी खींच रहा था, तो वो पीछे से कुछ शॉट्स आते हैं और यहाँ पे बग्गी छुप जाता है। तो देखिए पूरी डांसी आने पर यहाँ पर यहाँ से भाग निकलने में हम कामयाब हो जाते हैं, शॉट्स तो आते हैं लेकिन फिर से यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए। यहाँ से भागने के बाद अब जाए तो जाए कहाँ भाई, तो मेरी फेवरेट लोकेशन शेल्टर्स के बंकर में एक अकेला बंदा पूरी स्पॉट को भी खा सकता है। लेकिन अब जल्दबाजी में ये हो जाता है, बैड लक मोमेंट्स किसे कहते हैं ये देखिए। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इधर अंदर आने के बाद ये वाला जो नेड कुक किया ये देखिए कहाँ पे गया। अब ये वाला नेड दीवार से टकराने के बाद फिर से मेरी तरफ आ रहा था, तो यहाँ पे टीपीपी लेना मैंने कैंसिल कर दिया और दो नेड और बिछा दिए ताकि मैं हेल्थ को रिकवर कर सकूँ। लेकिन सामने वाला बंदा कुछ ज़्यादा ही फास्ट था, जो इन नेड्स का कुछ भी डैमेज लिए बिना सीधा मेरी तरफ पुश कर दिया। लेकिन भाई मैं उसको डैमेज देने के चक्कर में खुद ही डैमेज हो गया, और फिर से एक प्री नेड किया। प्री नेड करने के बाद मुझे एक्सेप्ट था कि एक बंदा सामने आ सकता है, लेकिन वो नहीं आया। और यहाँ पे मेड किट लगाने का वक्त ही मेरे पास नहीं था, और सामने वाले बंदे ने पूरी तरह से रश करके यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो इसी के साथ अपना बैड लक मोमेंट का पार्ट वन यही खत्म होता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ गाइस, पिछले कुछ वीडियो को सपोर्ट कम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।